कभी सोचा है चीन की दीवार, ये अद्भुत संरचना जो सदियों से खड़ी है, कितनी कहानियां समेटे हुए है। इतनी लंबी, इतनी पुरानी, इतनी रहस्यमय। हर ईंट, हर पत्थर अपने आप में एक इतिहास है। ये दीवार बस पत्थरों का ढेर नहीं है, बल्कि सदियों पुराने इतिहास का खजाना है। यहाँ के हर कोने में छुपी है एक अनकही कहानी। एक कहानी है जो हमें चीन के शानदार अतीत में ले जाती है, चीन की दीवार। ये दीवार हमें उन राजाओं और योद्धाओं की याद दिलाती है जिन्होंने इसे बनवाया। ये नाम ही अपने आप में एक अलग ही एहसास जगाता है, एक एहसास जो हमें उस समय में ले जाता है जब ये दीवार बनाई जा रही थी। एक विशालकाय अजगर की तरह ये दीवार हजारों मील तक फैली हुई है, पहाड़ों को चीरती, रेगिस्तान को पार करती। ये दीवार सिर्फ एक रक्षक नहीं बल्कि एक प्रतीक है। पर क्या आपने कभी सोचा है इसके पीछे की कहानी, इसके निर्माण के पीछे की सोच क्या थी? क्या ये सिर्फ दुश्मनों से बचाव के लिए थी या इसके पीछे और भी कुछ था? क्यों बनाई गई थी ये दीवार? क्या ये सिर्फ एक सुरक्षा कवच थी या इसके पीछे कोई और गहरा उद्देश्य था? इसके निर्माण में कितनी मेहनत लगी होगी, कितने लोगों ने अपने खून पसीने से इसे बनाया होगा, कितनी पीढ़ियों ने इसे खड़ा करने में अपना योगदान दिया होगा, कितने राज छुपे होंगे इसके पत्थरों में। हर पत्थर, हर ईंट एक गवाह है उस समय का जब ये दीवार बनाई जा रही थी। चलिए आज हम साथ मिलकर इस दीवार के पीछे छुपे रहस्यों को उजागर करते हैं। जाने कि कैसे ये दीवार बनी, किसने इसे बनाया और क्यों। आइए इस अद्भुत यात्रा पर चलें और जानें चीन की दीवार के अनकहे किस्से। कहानी शुरू होती है करीब 2000 साल पहले। उस समय चीन एक शांतिपूर्ण और समृद्ध भूमि नहीं थी बल्कि एक युद्ध भूमि थी। विभिन्न राज्य और कबीले एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे और हर कोई अपने क्षेत्र का विस्तार करना चाहता था। चीन के अलग अलग राज्य आपस में लड़ रहे थे। हर राज्य की अपनी महत्वाकांक्षाएं थीं और हर कोई अपने राज्य को सबसे शक्तिशाली बनाना चाहता था। इस संघर्ष और अशांति के बीच एक नया राजवंश उभरा। हर कोई चाहता था अपना दबदबा। तभी उभरा किन राजवंश। किन राजवंश के शासक बहुत ही महत्वाकांक्षी थे और उनके पास एक महान योजना थी। वे चीन को एकीकृत करना चाहते थे और इसे एक मजबूत और अजेय राज्य बनाना चाहते थे। उनके पास एक विजन था, एक मजबूत और एकीकृत चीन का। किन शासकों ने अपने राज्य को एकजुट करने के लिए कई सुधार किए और एक मजबूत प्रशासनिक प्रणाली स्थापित की, लेकिन उनके सामने एक बड़ी चुनौती थी। लेकिन दुश्मन तो थे ही। चीन के उत्तरी सीमा पर कई बर्बर कबीले थे जो लगातार हमले करते रहते थे। ये कबीले बहुत ही खूंखार और निर्दयी थे। उत्तर से आते थे खूंखार घुड़सवार, लूटपाट मचाते, आतंक फैलाते। ये हमले चीन के लिए एक बड़ी समस्या बन गए थे। किन शासकों को समझ में आ गया कि अगर उन्हें अपने राज्य को सुरक्षित रखना है तो उन्हें कुछ बड़ा और स्थायी करना होगा। उन्हें रोकने के लिए किन शासकों ने एक दीवार बनाने का फैसला किया। ये दीवार सिर्फ एक रक्षात्मक संरचना नहीं थी बल्कि एक प्रतीक थी, एक प्रतीक कि चीन अब एकजुट और अजेय है। एक ऐसी दीवार जो अजेय हो, अभेद्य हो। इस दीवार का निर्माण एक बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना थी। इसे बनाने के लिए बहुत सारे संसाधनों और मानव श्रम की आवश्यकता थी और इस तरह शुरू हुआ चीन की दीवार का निर्माण। इस दीवार का निर्माण कई दशकों तक चला और इसमें लाखों लोगों ने भाग लिया। ये लोग दिन रात मेहनत करते थे ताकि इस महान दीवार का निर्माण हो सके। लाखों मजदूरों, सैनिकों और कैदियों ने अपनी जान की बाजी लगा दी इस दीवार को बनाने में। ये लोग बहुत ही कठिन परिस्थितियों में काम करते थे। कई लोग इस निर्माण के दौरान अपनी जान गंवा बैठे। पत्थर तोड़े गए, मिट्टी ढोई गई और धीरे धीरे दीवार आकार लेने लगी। इस दीवार का निर्माण एक बहुत ही कठिन और श्रमसाध्य कार्य था, लेकिन इन लोगों की मेहनत और समर्पण ने इसे संभव बनाया। ये बस एक दीवार नहीं थी बल्कि चीन की एकता और ताकत का प्रतीक थी। ये दीवार चीन के लोगों के साहस, धैर्य और दृढ़ संकल्प का प्रतीक थी। ये दीवार आज भी खड़ी है और हमें याद दिलाती है कि जब लोग एकजुट होते हैं तो वे कुछ भी हासिल कर सकते हैं। यार, जब भी कोई इतनी पुरानी और विशाल चीज होती है तो उसके साथ कुछ कहानियां तो जुड़ ही जाती हैं। ये कहानियां सदियों से चली आ रही हैं और हर पीढ़ी ने इनमें कुछ नया जोड़ा है। कुछ कहानियां प्यार की, कुछ बलिदान की और कुछ डर की। ये कहानियां हमें उस समय की झलक दिखाती हैं जब ये दीवार बनाई जा रही थी और उन लोगों की जो इसके निर्माण में शामिल थे। चीन की दीवार भी इससे अछूती नहीं है। ये दीवार न केवल एक संरचना है बल्कि एक जीवित इतिहास है
जिसमें अनगिनत कहानियां और रहस्य छिपे हुए हैं। एक कहानी बहुत मशहूर है, मेंग जियांगनू की। ये कहानी हमें बताती है कि कैसे प्रेम और बलिदान ने इस दीवार को और भी महत्वपूर्ण बना दिया। कहते हैं कि उनके पति को दीवार के निर्माण में जबरदस्ती लगा दिया गया था। उस समय हजारों मजदूरों को इस विशाल संरचना को बनाने के लिए मजबूर किया गया था। बेचारी मेंग जियांगनू अपने पति की तलाश में दीवार तक पहुंची, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसकी यात्रा कठिन और दर्दनाक थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। दीवार के पास पहुंचते ही मेंग जियांगनू को अपने पति की मौत की खबर मिली। ये खबर सुनकर उसका दिल टूट गया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। कहते हैं कि उनके रोने की आवाज से दीवार का एक हिस्सा ढह गया, जिससे उनके पति का शव दिखाई दिया। ये घटना इतनी अद्भुत थी कि इसे सदियों तक याद रखा गया। ये कहानी प्रेम और बलिदान का प्रतीक बन गई। मेंग जियांगनू की कहानी ने इस दीवार को एक नया अर्थ दिया और इसे और भी पवित्र बना दिया। ऐसी ही अनगिनत कहानियां चीन की दीवार से जुड़ी हुई हैं, जो इसे और भी रहस्यमय बनाती है। हर कहानी में एक नया रहस्य, एक नया रोमांच छिपा होता है, जो हमें इस दीवार की महानता का एहसास कराता है। चीन की दीवार को अगर आप गौर से देखेंगे तो पाएंगे ये बस पत्थरों का ढेर नहीं है। ये एक जटिल स्ट्रक्चर है जिसमें कई रहस्य छुपे हुए हैं। इसमें गुप्त कमरे, सुरंगें और जाल बिछे हुए हैं। कई जगहों पर दीवार इतनी चौड़ी है कि उस पर रथ दौड़ाए जा सकते थे। कल्पना कीजिए कितना भव्य नजारा रहा होगा। दीवार के किनारे किनारे बने हुए हैं पहरेदार चौकियां, जहां से सैनिक दुश्मनों पर नजर रखते थे। इन चौकियों में आज भी पुराने हथियार, बर्तन और दूसरे सामान मिलते हैं, जो उस समय के जीवन की झलक दिखाते हैं। चीन की दीवार एक खुली किताब की तरह है, जिसमें इतिहास के कई पन्ने दबे हुए हैं।